इस साल की आखिरी इंस्टॉलमेंट यानी कि सर्कस, जो उसी लिस्ट की मूवी मानी जा रही है जो कम से कम नहीं तो भूल भुलैया 2 का तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दे जैसा कि भेड़िया से उम्मीदें थी, लेकिन वो काम दृश्यम ने किया। लेकिन दृश्यम भी पहले दिन थोड़ा सा रह गई, और जो अभी तक सबसे ज़्यादा पैंडमिक के बाद जो रिकॉर्ड है वो रोहित शेट्टी की ही मूवी का है। तो ये मूवी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ट्रेलर अभी अभी ड्रॉप हुआ है, 23 दिसंबर को यानी कि 20 दिन बाद आपको ये मूवी देखने को मिलेगी। तो ट्रेलर देख के बताते हैं आपको, रिएक्शन देते हैं क्या इस मूवी में पोटेंशियल है कि खुद रोहित शेट्टी का रिकॉर्ड, रोहित शेट्टी का भी नहीं तो क्या भूल भुलैया 2 का रिकॉर्ड ये बीट कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो बिना बकचोदी के शुरू करते हैं, सारा सेटअप जमा लिया है हमने, पहले ट्रेलर देखेंगे उसके बाद बची कुची बातें करेंगे। और अब दोस्तों वो वक्त आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। तालियों के बीच स्वागत कीजिए जिसका यहाँ है हर कोई फैन, आपका चहेता द इलेक्ट्रिक मैन। समझ नहीं आता ये जो मेरे साथ होता है उसे क्या कहेंगे। कुदरत का करिश्मा कहेंगे और क्या कहेंगे। अभी तो ऐसे बहुत से करिश्मे देखने बाकी हैं। खुद तो एक नंबर के झूठे हो, कम से कम इस बेचारी को झूठ बोलना मत सिखाओ। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं डेली तुमसे झूठ ही बोलता हूँ। पता नहीं शायद बोलती भी होगी। आप कौन है बहन जी? बहन जी समंदर में सुसु करने से सुनामी नहीं होती। कितने अजीबो गरीब है तुम्हारे डैडी। अजीबो गरीब हो गए तुम, हम अजीबो अमीर हैं। अरे भाई लोग बड़ा होके एक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, तो जनरेटर बन गया। रॉय को देख के लगता नहीं कि वो इतने बड़े घर में रहता होगा। बिंदु को देखकर भी नहीं लगता कि आप उसके बाप होंगे। Was this a compliment? Maybe. पैर छूने का नायक, अपना पैर छुओ खुद का। अपना पैर इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। मनाचा तो सबको करंट लगा रे। करंट लगा, करंट लगा, करंट लगा रे। मनाचा तो सबको करंट लगा रे। तूने इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदल लिए? मैं तो बैंगलोर से इन्हीं कपड़ों में हूँ। खा मम्मी कसम। मम्मी कसम। मन ने थारे को कहीं देखा से? मैंने भी आपको कहीं देखा है। आप पहले कभी ऊटी आए हैं? नहीं तो आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? मैं अभी इसी वक्त तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए ऐसा लड़का लाऊंगा जो मेरी तरह हैंडसम और स्मार्ट हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शहर में मेरा कोई हमशक्ल है? चल माना तेरा हमशक्ल है, मेरा भी हमशक्ल होगा क्या? यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों को मैं अपनी आंखों से देखा है, बेरा नहीं हूं मैं। तू नाचा तो सबको करंट लगा रे। बताओ नाम क्या है आप सबके? मेरा गोपाल। लक्ष्मण। माधव। लक्ष्मण। लास्ट में क्या था मुझे बिल्कुल, मैंने सोचा ट्रेलर जो है वो खत्म हो चुका है, मतलब खत्म होने वाला है ट्रेलर। एक तो लेंथ कितनी लंबी है यार रोहित शेट्टी ने, मतलब सूर्यवंशी का ट्रेलर वो सबसे बड़ा ट्रेलर था, मतलब जैसा कि लोग बताते हैं उस टाइम पे 4 मिनट समथिंग का था, और इसकी भी कुछ लेंथ कम नहीं है। और लास्ट में यार मतलब मैंने सोचा खत्म हो गया ट्रेलर, यार वो लास्ट में कहाँ से कहाँ जुड़ रहा है ये बंदा, मतलब क्या दिमाग लगा दिया। और टिपिकल रोहित शेट्टी वाली वाइब्स आ रही है मुझे तो इस मूवी से। शुरू में आप विजुअल्स दिखाए गए हैं,
आधा मिनट तो मेरे ख्याल से वो विजुअल से दिखाएं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे 1960 का दौर जो फिर से वापस लाए हैं, वो पूरा लोकेशन वोकेशन कैसे क्रिएट किया गया होगा, एटमॉस्फेयर वगैरह सारा कुछ वो दिखाया है, और स्टोरी बिल्कुल रिवील नहीं की गई है। अब अंगूर का अडेप्टेशन इसको बताया जा रहा है, या तो आप अंगूर जाके देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखी, मैंने तो नहीं देखी, बहुत पुरानी मूवी है यार अंगूर, शायद से मिलेगी भी नहीं वो इंटरनेट पर, तो उसका अडेप्टेशन ये है और कहानी नहीं बताई गई। इतना पता चला है वो तो खैर पोस्टर और टीजर देख के पता चल गया था कि इसमें डबल रोल वरुण शर्मा के और रणवीर सिंह के होने वाले हैं, ठीक है, जैकलिन फर्नांडिस है और संजय मिश्रा। मैं तो उनकी शक्ल देख के मुझे हंसी छूट जाती, इसीलिए अभी जो उनकी मूवी आई थी बद, वो मैंने इसीलिए नहीं देखी, काफ़ी सीरियस मूवी थी, काफ़ी सीरियस टॉपिक पे थी, और मुझे ये बंदा कॉमिक रोल में बहुत ज़्यादा पसंद है लिटरली अगर मैं बताऊँ। और जॉनी लीवर, ये इनका फिल्म में होगा और होगा, अभी थोड़ा सबर करें, ये फिल्म फाड़ने वाली है, हंसाने तो वाली है, इतना तो मुझे पता, मतलब बड़े लंबे समय बाद कोई ट्रेलर देख के मुझे थोड़ी बहुत हंसी आई और काफ़ी अच्छी वाइब दे रहा है। और लास्ट का तो वो दीपिका की एंट्री, चलो शादी के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक साथ हमें पहली बार देखने को मिलेंगे एक ही पर्दे पर, उनका आइटम सॉन्ग हुआ, लेकिन यार वो गोलमाल वाला सीक्वेंस यार क्या है क्या नहीं है, ये सरप्राइज था, ऐसे यही एक सरप्राइज था, मूवी देख के और पता लगेगा। मतलब ओवरऑल अच्छा लगा मुझे ट्रेलर, अच्छा लगा, बाकी डिटेल रिव्यू में बात करेंगे, तो उन सबको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।